टीरेक्स द मॉन्स्टर का किंग। ये 6 मीटर तक ऊंचा और 12 मीटर तक लंबा होता था और वजन इस मॉन्स्टर का तो 7 टन से भी ज्यादा था। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले करीब 16 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड टकराया, जिससे होने वाले असर कई लाख न्यूक्लियर बम के एक तार ब्लास्ट होने के बराबर था। इससे मास एक्सटिंक्शन की शुरुआत हुई, जिससे इस प्लैनेट पर मौजूद सभी पौधों और जानवरों में से 75% स्पीशीज खत्म हो गई। इनमें से एक था जमीन पर रहने वाला अब तक का सबसे ताकतवर शिकारी टीरेक्स था। पर क्या हो अगर टीरेक्स अब भी जिंदा हो, इंसान के साथ जिंदा रह सकेंगे? क्या टीरेक्स इतने ही खतरनाक और बेरहम थे जितना इन्हें मूवीज में दिखाया जाता है? अगर टीरेक्स अभी भी जिंदा होते हैं तो चांसेस हैं कि ये भी खत्म होने वाली स्पीशीज में से एक होते। एक टीरेक्स एक बाइट में ही 230 केजी मीट खा सकता था, तो अब दूसरे जानवर ज्यादा वक्त तक नहीं रहने वाले। और अगर आप इस टीरेक्स को मारना चाहते हैं, एक बंदूक के बिना पर इसका सामना करना बेवकूफी से कम नहीं होगा।